यहाँ पर आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि जो लोग दांत खाज और खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको लगभग एक बार के इस्तेमाल से ही छुटकारा मिल जाएगा। ये जो नुस्खा है बहुत ही पावरफुल है, इसमें हम दो से तीन चीज़ ऐसी मिलाएंगे तो जो कि आपकी दांत खाज खुजली को जड़ से मिटा देगी। वैसे तो आपने भी कई सारे रुपए वगैरह खर्च कर दिए होंगे, डॉक्टर के पास कई सारी दवाइयाँ ली होगी, मगर उनसे अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आज का ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। 100% गारंटी के साथ आपकी जो दांत खाज खुजली है वो जड़ से मिट जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस नुस्खे को, किस तरह से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कितनी देर तक आपको इसको लगाए रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे आपको लगभग ये जो कपूर है, ये कप को कपूर की टिकिया ले लेनी है, जो हम दिया जलाने में जो कपूर वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो आप ये एक टिकिया ले लीजिए और इसको किसी कटोरी में अच्छी तरह से लगभग आपको यहाँ पर चूर करके इस तरह से आपको इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर हमने यहाँ पे तैयार कर ली है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हम चीज़ इसमें मिलाएंगे वो है दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन, यहाँ पे आपको शुद्ध देसी गाय का जो घी आता है वो आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि आपको शुद्ध घी है वो लेना है और वो भी गाय का ही आपको यहाँ यूज़ करना है, वरना ये नुस्खा आपकी दांत खाज खुजली नहीं मिटा पाएगा। तो आप लगभग यहाँ पर आधा चम्मच जितना ये जो गाय का घी है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो हमने यहाँ लगभग आधा चम्मच जितना ये जो गाय का घी है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करने वाले हैं, वो होगी एलोवेरा जेल। तो दोस्तों आपको बाज़ार से किसी भी ब्रांड का ये जो एलोवेरा जेल है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। आप जिस ब्रांड का भी जो जेल है वो पसंद करते हो, जेल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लगभग आधा चम्मच जितनी मात्रा हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो ये जेल है वो आप लगभग आधा चम्मच जितना ऐड कर दीजिए। तो हमने यहाँ दोस्तों ये जो जेल है वो लगभग आधा चम्मच की मात्रा में यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो फिर आपको क्या करना है, अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेना है, और जो दिन में अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, मगर जब भी आप ये नुस्खा बनाए, ये तरीका आप जब भी बनाए, तब आपको लगभग ये जो नुस्खा है पूरी दवाई को आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक धूप में यूं ही छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाए। जो हमने इसमें जो कपूर वगैरह कुछ यूज़ किया था वो भी आसानी से पिघल जाए। तो आप लगभग 1 से 2 मिनट तक धूप में इसको यूं ही छोड़ दीजिए, फिर अगर आप चाहे तो दिन में या रात को कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको दांत खाज खुजली है वहाँ पे आप अच्छी तरह से उस हिस्से को साफ़ कर लीजिए, साबुन का यूज़ ना करें, जो डेटॉल का लिक्विड है उसका ही आप वहाँ पर यूज़ करें। उसके बाद अच्छी तरह से सुखा ले उस जगह को, फिर बाद में आपको ये जो मैंने यहाँ पर ये तरीका बताया, नुस्खा बताया, ये नुस्खा आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। इसके अप्लाई करने के बाद ना ही आपको मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको दांत खाज और खुजली वाली जगह पर इसको लगा देना है। हो सकता है लगाने के बाद आपको लगभग 1 से 2 मिनट तक जलन हो सकती है, तो आप घबराए नहीं, थोड़ी देर आपको जलन होगी तो उस बात की आप चिंता छोड़ दीजिए, और आप इसको 3 से 4 घंटे तो उसको लगा के रखना ही रखना है। बेहतर अगर आप इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं केवल 1 से 2 दिन में, तो आप इसको पूरी रात दांत खाज खुजली वाली जगह पर रख दीजिए और मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल गर्म पानी से आपको वॉश कर लेना है उस जगह को। तुरंत ही वॉश करने के बाद आपको नज़र आएगा कि जो दांत खाज और खुजली थी वो लगभग 80 से 90% गायब ही हो गई है। तो आप इसका दूसरे दिन यूज़ करें तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये नुस्खा आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नए नुस्खे के साथ, नमस्कार।